प्रभु यीशु के मधुर नाम में आज इस सत्संग में उपस्थित सभी भाई और बहनों का मैं स्वागत करता हूँ। आज जो भाई पहली बार आए हैं उनका भी हम बहुत ही खुशी के साथ स्वागत करते हैं और हमारा अनुरोध है कि ज़िंदगी बहुत छोटी है। अपने को लगता है कि ज़िंदगी बहुत बड़ी है लेकिन ज़िंदगी बहुत छोटी है और इस ज़िंदगी में प्रभु ने जो समय दिया है उसमें कम से कम थोड़ा समय सत्संग के लिए निकाल लिया करें। उससे हमारा जीवन आत्मिक रूप से स्वस्थ रहेगा। आज प्रभु ने ये मौका फिर से दिया, इसके लिए मैं प्रभु का शुक्रगुजार हूँ। हम लोग पिछले कई हफ्तों से प्रभु के वचन से एक निश्चित विषय का अध्ययन कर रहे हैं। विषय यह है कि संसार के सृष्टा प्रभु ने मनुष्य की सृष्टि की। मनुष्य की सृष्टि करके मनुष्य को जो चाहिए वो सब प्रदान किया। सब प्रदान करने के बाद प्रभु ने एक शर्त रखी कि देखो, मैंने तुमको जो जरूरी है सब कुछ दिया है, अब मैं जो कह रहा हूँ उसके अनुसार जीवन बिताओ। लेकिन मनुष्य ने अपने स्वयं के लंघन के कारण अपने आप को संसार के सृष्टा ईश्वर से, प्रभु से, परमेश्वर से दूर कर लिया। उसके बाद प्रभु यीशु ने इस संसार में आकर मनुष्यों के मुक्ति के लिए एक रास्ता खोला। ये सब हमने डिटेल में पिछले हफ्तों में देखा था। हमने ये भी देखा था कि मनुष्य का उद्धार या मनुष्य की मुक्ति उसके स्वयं के कर्मों के द्वारा नहीं होती है, बल्कि प्रभु यीशु ने सूली पर उसके लिए जो बलिदान दिया उस बलिदान के द्वारा उसको यह नया जीवन या मुक्ति मिलती है। आज मैं उसी से संबंधित एक और विषय लेना चाहता हूँ और वो ये है कि एक बार जब हमको मुक्ति मिल जाती है या मुक्ति का अनुभव हो जाता है या उद्धार का अनुभव हो जाता है तो उसके बाद क्या हम सदा सर्वता पवित्रता का जीवन बिताएंगे? देखिए, प्रश्न दो तीन तरह से पूछा जा सकता है। पहला तरीका यह है कि मुक्ति के बाद जिनको मुक्ति मिली है उनसे प्रभु क्या उम्मीद करते हैं, और उसका जवाब यह होगा, प्रभु ये उम्मीद करते हैं कि हमको मुक्ति प्रदान की है, अब हम एक पवित्र जीवन बिताएंगे। अभी हमने भाइयों ने जो तीसरा गाना गाया था, पापी मैं था आपसे दूर, बचा लिया दया है आपकी। मैं जो आपसे दूर था आपने मुझे बचा लिया, उसके बाद प्रभु मुझसे क्या उम्मीद करते हैं कि बचाया हुआ व्यक्ति पवित्रता के साथ जीवन बिताएगा। ये तो हो गया पहले प्रश्न का जवाब। दूसरा प्रश्न ये है कि प्रभु हमसे जिस तरह के जीवन की उम्मीद करते हैं, क्या हम लोग उसी प्रकार का जीवन बिताते हैं? प्रश्न मैं फिर से आपके सामने रखना चाहता हूँ। प्रभु हमसे ये उम्मीद करते हैं कि हम पवित्र जीवन बिताएंगे, ठीक है, लेकिन वाकई में हम लोग पवित्र जीवन बिताते हैं क्या? उसका उत्तर है कि प्रभु हमसे उम्मीद तो करते हैं, लेकिन मनुष्य का जीवन जब तक वो इस पृथ्वी पर है उसमें कई बार ऐसी बातें आ जाती हैं जो उसके जीवन में नहीं होनी चाहिए। क्यों आती है, इसका क्या हल है, ये सारी बातें बाइबल के उत्तरार्ध में, मतलब नए नियम के, जो नए नियम की छठी पुस्तक है रोमियो, उसके सातवें अध्याय में हमको ये इसके बारे में विस्तार मिलता है। रोमियो की पत्री और उसका सातवां अध्याय, मैं आपको पन्ना बताए देता हूँ हिंदी बाइबल में,
हिंदी बाइबल में 215 पेज पर हमको ये मिलता है। हिंदी बाइबल नया नियम पेज 215, ठीक है, वहाँ 14वें श्लोक से या 14वें पद से हम देखते हैं, हम जानते हैं कि व्यवस्था आत्मिक है परंतु मैं शारीरिक और पाप के हाथ बिका हुआ हूँ। इसकी थोड़ी सी व्याख्या हो जाए तो शायद अच्छा रहेगा। बाइबल के पूर्वार्ध में सर्वेश्वर प्रभु ने अपने महान दास मूसा की मदद से या मूसा के द्वारा लिखित रूप में अपने जनों को या अपने बच्चों को एक व्यवस्था दी थी, जिसका सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है 10 आज्ञाएं। आपने 10 आज्ञाओं का नाम सुना है, हर व्यक्ति जानता है, तू प्रभु अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना, वहाँ से आरंभ होता है। तो इस तरह से जो व्यवस्थाएं दी गई हैं वो अपने आप में आत्मिक है, लेकिन मैं जो इस नश्वर शरीर में हूँ, मैं पाप के हाथ बिका हूँ। मैं पाप के हाथ बिका हूँ का क्या मतलब है ये भी जरा हम समझ लें, क्योंकि 14 से पहले ही विषय प्रारंभ हो गया है और इस अध्याय के अंत तक बार बार ये बात हमको बताई गई है प्रभु के वचन में कि हमारे आदि पिता ने और आदि माता ने आज से सहस्त्रों साल पहले ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करके जिस पाप में वो लोग फंस गए थे, उस पाप का फल ये हुआ कि उनके जीवन में एक पापी स्वभाव आ गया। आप में से हर व्यक्ति इस बात को जानता है कि जब हम स्याही या किसी तरह की डाई को एक बोतल से दूसरी बोतल में या कारखाने में एक ड्रम से दूसरे ड्रम में जब डालते हैं, तब संयोग से यदि आपका हाथ छू भी गया तो आपके हाथ में वो रंग आ जाता है। उसको फिर रगड़ रगड़ के साफ करने में कितनी मेहनत लगती है आप जानते हैं। वोटिंग के समय एक विशेष प्रकार की स्याही से आपके उंगली पर निशान डाल दिया जाता है, जो आप रगड़ें तो भी नहीं जाएगा, उसको तो बाकायदा ब्लेड से आप चर्बी काट दें तब कहीं वो जाएगा। तो ये हम सब जानते हैं कि इस प्रकार की स्याही होती है जो काफ़ी स्थायी रूप से अपना असर छोड़ जाती है। तो जब हम इस बात को जानते हैं तो ये समझना हमारे लिए आसान हो जाता है कि जब मनुष्य ने पाप किया तो पाप का स्वभाव उसके सारे शरीर में, तन मन धन में इस तरह से बस गया कि अब धोए ना छूटे, साफ किए ना साफ हो। ये पाप स्वभाव हमारे अंदर निवास करता है। जिस क्षण हम प्रभु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करते हैं, उस क्षण प्रभु हमको मुक्ति देते हैं, उद्धार देते हैं, नया जीवन देते हैं, लेकिन हमारा ये जो पुराना स्वभाव है, जो उस रंग के समान है जो धोए ना छूटे, साफ किए ना साफ हो, उस तरह से वो हमको ग्रसे हुए हैं। उसके बारे में प्रभु का वचन कहता है, देखिए 18वां श्लोक या 18वां पद देखिए, मैं जानता हूँ कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती, इच्छा तो मुझ में है लेकिन भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते। क्यों भले काम क्यों नहीं बन पड़ते? इसलिए कि वो हमारा पुराना पाप का स्वभाव हमारे अंदर, हमारे मन में, हमारे शरीर में ऐसा असर डाले हुए है, ऐसा नियंत्रण किए हुए है कि जिस तरह से रंग धोए ना छूटे, उस तरह से उसका खिंचाव, हम कितनी भी कोशिश करें वो खिंचाव
छूट नहीं पाता, वो जिंदगी भर हमारे साथ रहता है और हमको पापों की ओर खींचता है। इसके बारे में, इसका असर क्या है, ये 19वें पद में बहुत ही स्पष्टता से बताया गया। रोमियों की पत्री 7वां अध्याय 19वां पद, रोमन्स 7:19, रोमियो 7:19 में हम देखते हैं, ये है, देखिए साफ साफ प्रभु के वचन में लिखा है, क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूँ वो तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता हूँ। तो आज जो आज का जो सत्संग है, आज का ये जो संदेश है, हमने एक प्रश्न से चालू किया था। प्रश्न ये था कि जब हमको नया जीवन मिल जाता है उसके बाद प्रभु हमसे क्या उम्मीद करते हैं। प्रश्न का उत्तर ये था, प्रभु हमसे ये उम्मीद करते हैं कि हम पूर्ण रूप से पवित्र विशुद्ध जीवन बिताएंगे। दूसरा प्रश्न ये था कि ऐसा हमसे हो पाता है क्या, और प्रश्न का जवाब मैंने अपनी ओर से ना देते हुए प्रभु के वचन से आपको सुनाया था, और उसका जो सारांश है वो यहाँ 19वें श्लोक में हम देखते हैं। जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूँ वो तो नहीं करता, लेकिन जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता हूँ। बाप रे, कैसी भयानक स्थिति है ना, कैसी भयानक स्थिति है। जरा उस विद्यार्थी के बारे में सोचिए जो पढ़ाई करना चाहता है, जो फर्स्ट क्लास लाना चाहता है, जो चाहता है कि उसके बाद मुझे अच्छी नौकरी मिल जाए, लेकिन चाहने के बावजूद उसके अंदर यदि कोई शक्ति उसको पढ़ाई से रोके, पढ़ाई करे तो उसको समझ में आने से रोके, समझ में आए तो याद रखने से रोके, और याद रख सके तो परीक्षा के समय उसको रोके, जिंदगी भर इस तरह की रोक यदि उसके चारों ओर हो तो वो पढ़ सकेगा क्या? नहीं पढ़ सकेगा। जब आप लंबी दौड़ दौड़ रहे हैं, आपके दोनों पैर बांध दिए जाते हैं, आप दौड़ सकते हैं क्या? जी नहीं, शायद दो कदम दौड़ेंगे उसके बाद गिर पड़ेंगे। प्रभु का वचन यही कहता है, मैं जिस अच्छे काम की इच्छा करता हूँ वो तो नहीं कर पाता, लेकिन जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वो करता हूँ। इसका कारण क्या है? जब प्रभु का वचन हमको एक समस्या के बारे में बताता है तो प्रभु का वचन ही उसका हल भी हमको बताता है। वो 20वें पद में हम देखते हैं, 20वें पद में हम देखते हैं, लेकिन यदि मैं वही करता हूँ जिसकी इच्छा नहीं करता तो उसका करने वाला मैं ना रहा बल्कि पाप जो मुझ में बसा हुआ है। इसका क्या मतलब? आप कहेंगे कि शास्त्री सर, आपने तो कहा था कि प्रभु यीशु ने हमको पापों से मुक्ति दी है। देखिए, इन सब का जो अंतर है वो हमको समझना जरूरी है। मनुष्य पापी है, पाप की सजा है मृत्यु। जब हम प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं तब पाप की सजा से हमको प्रभु मुक्ति देते हैं, शाश्वत जीवन प्रदान करते हैं, लेकिन पाप का वो स्वभाव अभी भी हमारे अंदर रहता है। आप कहेंगे कि ये तो बड़ी मुसीबत हो गई। जी हाँ, मुसीबत है, लेकिन प्रभु ने जानबूझकर ये आपके जीवन में रखा है। क्यों रखा है? उसका एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ। आप जानते हैं क्या, जो लोग लंबी दौड़ की प्रैक्टिस करते हैं वो लोग लगभग आधी प्रैक्टिस जब उनकी हो जाती है, मान लो 6 महीने प्रैक्टिस करना है, तो एक 4 या 5 महीने के बाद एक बहुत ही भारी बेल्ट बांध लेते हैं, सीसे का, जिसमें सीसे के वजन टंगे रहते हैं। दौड़ने वाले का वजन यदि 55 किलो हो तो 5 से 10 किलो अपनी कमर में बांध के फिर अगले 3 महीने ऐसे दौड़ता है। क्यों? जिससे कि उसके शरीर में इतना स्टैमिना आ जाए कि वो जितने तेजी से दौड़ता है उससे भी ज़्यादा तेजी से दौड़ सके। उसको अपन हिंदी में कहते हैं इतना दम
और इतना कम आ जाए कि जब वो वजन हटा दें तो दूसरों की तुलना में दम कम से वो दौड़ सके। इसी तरह से जो लोग ऊंची कूदते हैं उनको जब ट्रेनिंग दी जाती है तब कई ट्रेनिंग देने वाले कोच जब उनको लगता है कि ये बंदा 6 फुट ऊंचा कूद लेगा तो जब वो एक 5 फुट के आसपास पहुंच जाता है तो उसकी कमर में वजन बांध देता है। पहले 1 किलो बांधता है, उस 1 किलो को लेकर वो 5 किलो जब तक क्रॉस नहीं करता तब तक उससे प्रैक्टिस करवाता है, और जब अपने वजन के अलावा 1 किलो एक्स्ट्रा वजन के साथ वो 5 किलो क्रॉस करता है तो कोच 1 और किलो बांध देता है, अब कूदो। तो अब वो 2 किलो एक्स्ट्रा जो उसका अपना वजन नहीं है उसको कमर में बांधे हुए बाकायदा 5 फुट कूदता है। इस तरह से कोच का एक अनुमान रहता है, उतना वजन उसके उसकी कमर में बांध दिया जाता है, और उतने वजन के साथ जब वो 5 फुट कूदने लगता है तो कोच कहता है बेटा तू अच्छा कर रहा है, आगे कल से हम उसको 5 फुट 1 इंच कर देंगे। इस तरह से 5 फुट 1 इंच को वो जब उतने वजन के साथ कूद जाता है तो 5 फुट 2 इंच, इस तरह से वो अपने स्वयं के वजन के अलावा 4 या 5 फुट अपनी कमर में बांध के जब वो 6 फुट कूद लेता है तब कोच को यकीन हो जाता है कि अपना ये शिष्य, अपना ये शागिर्द जब प्रतियोगिता होगी तब बड़े आराम से 6 फुट कूद जाएगा। और उसको जब कूदना होता है उससे 1 या 2 दिन पहले वो वजन उससे हटा दिया जाता है, और जो 6 फुट कूदता था उसके सामने अब 7 फुट का डंडा रख दिया जाता है कि अब बेटा कूद। जब वो कूदने की कोशिश करता है तब उसको ताज्जुब होता है कि मैं तो 6 फुट कूदने की प्रैक्टिस मैंने की थी, अब ये 7 फुट कैसे क्रॉस हो गया। उसका रहस्य ये है कि उसके जीवन में उसके कोच ने जो बाधा डाली थी जब वो उस बाधा के साथ साथ कूदना या बाधा के साथ साथ दौड़ना सीख लेता है, उसकी प्रैक्टिस कर लेता है, तो कल को जब वो समय आएगा जब बाधा हटा दी जाएगी तो वो दूसरों के अपने साथी प्रतियोगियों की तुलना में और अधिक सफल होगा। ये उसका रहस्य है। प्रभु का उद्देश्य भी यही है। प्रभु के वचन को जब हम आदि से लेकर अंत तक पढ़ते हैं तब बार बार हम देखते हैं कि प्रभु जानबूझकर अपने बच्चों के रास्ते में बाधा रखते हैं, जिससे कि प्रभु का बच्चा प्रभु की शक्ति पर भरोसा रख के दौड़ ना सीखे, कूद ना सीखे। जो संसार में जो लंबी दौड़ दौड़ता है, ऊंची कूद कूदता है, वह अपने दम और खम पर कूदता है, लेकिन आत्मिक जीवन में जब प्रभु इस तरह की बाधा रखते हैं तब एक विशेष बात है, एक एक्स्ट्रा बात है, और वो बात क्या है? प्रभु के द्वारा दी गई शक्ति, प्रभु के द्वारा जो प्रतिदिन दिया गया प्रोत्साहन, वो हमारे साथ है। इसलिए प्रभु हमारे जीवन में ये बाधाएं रखते हैं, और जब समय आएगा तब वो बाधा हटा दी जाएगी। लेकिन प्रभु का वचन अभी तो ये कहता है यदि मैं वही करता हूँ जिसकी इच्छा नहीं करता तो उसका करने वाला मैं ना रहा परंतु पाप जो मुझ में बसा है। मतलब हमारे अंदर वो जो पाप का स्वभाव है वो बार बार हमको बुराई की तरफ खींचता है। हमारे अंदर जो धार्मिकता है, प्रभु ने हमको धर्मी बनाया है, प्रभु ने हमको अपनी संतान बनाया है, प्रभु ने हमको एक नया जीवन और नया व्यक्ति बनाया। 2 कुरिन्थियों 5:17 में लिखा हुआ है कि यदि कोई मसीह यीशु में है तो वह नई सृष्टि है। प्रभु ने हमको एक नई सृष्टि बनाया है। उस नई सृष्टि के कारण हमारे अंदर एक तरफ खिंचाव धार्मिकता की तरफ है तो पाप का स्वभाव जो हमारे अंदर बसा हुआ है उसका खिंचाव पाप की ओर है। इसका फल जिंदगी भर जिस तरह से
लंबी दौड़ दौड़ने वाला वजन के साथ दौड़ता है, ऊंची कूद कूदने वाला वजन के साथ कूदता है, उसी तरह से हम अपने आत्मिक जीवन में उस बाधा को पार करते हुए प्रभु पर आश्रय रखना सीखते हुए, प्रभु पर आश्रय के कारण प्रभु से जो शक्ति मिलती है उस शक्ति का उपयोग करना सीखते हुए आगे बढ़ते हैं। और इस तरह से जब आगे बढ़ते हैं तब हम अपने आत्मिक जीवन में और मैच्योर हो जाते हैं और परिपक्व हो जाते हैं और हमारे जीवन में पूर्णता आती है। इस रास्ते के लिए प्रभु के वचन में एक बात और बताई गई है, पहला यूहन्ना 1:9 में लिखा हुआ है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो प्रभु हमारे पापों को क्षमा करने के लिए विश्वास योग्य और धर्मी है। जिसका मतलब यह है कि प्रभु ने हमारे सामने बाधा रखी है, लेकिन बाधा के कारण यदि हम गिर पड़ते हैं तो उसका इलाज भी प्रभु ने ही रखा है। आप लोगों ने टीवी वगैरह पर देखा होगा कि जब बड़ी भारी कुश्ती होती है या भयंकर बॉक्सिंग होता है तो बॉक्सिंग में जब रेस्ट का समय होता है और बॉक्सर जब बॉक्सिंग रिंग के किनारे पहुंच जाता है तो उसका कोच आकर उसका चेहरा गीले तौलिए से पोंछता है, ध्यान दिया होगा, क्यों? इसलिए कि वो तरोताजा हो जाए। हमारे आत्मिक जीवन में भी प्रभु हमसे उम्मीद करते हैं कि हम पवित्र जीवन बिताएंगे, लेकिन प्रभु स्वयं जानते हैं कि बाधा के कारण हम पाप में फंस जाएंगे। लेकिन जिस तरह से कोच जिसको ट्रेनिंग दे रहा है उसके मुंह को गीले तौलिए से पोंछता है, उसी तरह से प्रभु ने हमारे लिए पहला यूहन्ना 1:9 रखा है, जहां कहा गया है कि यदि हम अपने पापों को मान लें तो प्रभु हमें हमारे पापों से ना केवल शुद्ध करेंगे बल्कि हमारे सारे अधर्म से हमको पूरी तरह से पवित्र कर देंगे। आज शाम को हम जो प्रभु के वचन के उपदेशों का अध्ययन कर रहे हैं, उन सब भाई और बहनों को मैं याद दिलाना चाहता हूँ, मेरे प्रिय भाई, मेरी प्रिय बहन, ये अच्छी बात है कि आपने प्रभु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया। ये अच्छी बात है कि हम प्रभु को मुक्तिदाता के रूप में जानते हैं, लेकिन मेरे आपके जीवन में जिंदगी भर बाधा आती रहेगी। उस बाधा का हल पहला यूहन्ना 1:9 में है। इस कारण जब भी ये बाधा आती है तब उस बाधा को इंग्लिश में कहा जाता है हर्डल, हर्डल रेस जिसे कहते हैं, बाधा दौड़ हिंदी में बोलते हैं, उस बाधा दौड़ में जो बाधा आती है उसको कूदने के लिए, उसका हल पाने के लिए प्रभु हम सब की मदद करें। एक दूसरी बात जो आज शाम को मैं आप सबके सामने रखना चाहता हूं वो ये है कि आज इस सभा में जो लोग उपस्थित हैं इनमें से कई लोग ऐसे भी हैं जो ये नहीं कह सकते, पापी था मैं आपसे दूर, बचा लिया दया है आपकी। आप लोग जब आए तब यहाँ पर जो आखिरी गाना चल रहा था उस गाने का कोरस है, पापी था मैं आपसे दूर, बचा लिया दया है आपकी। आज शायद इस मंडली में, इस सत्संग में शायद ऐसा कोई भाई या बहन है जो अभी ये नहीं कह सकता था कि बचा लिया दया है आपकी। शायद आप सिर्फ इतना कह सकते हैं, पापी था मैं आपसे दूर, या पापी हूँ प्रभु मैं आपसे दूर, बचा लिया दया है आपकी। उसके बदले शायद आप ये कहेंगे, बचा लीजिए प्रभु, दया हो जाए आपकी। तो आज प्रभु के वचन से मैं बताना चाहता हूँ कि किस तरह से वो बचाव हम पा सकते हैं। पवित्र बाइबल का हम इन दिनों अध्ययन कर रहे हैं। पवित्र बाइबल, जैसा मैं इसके पहले बहुत बार याद दिला चुका हूँ, ये एक महान ग्रंथ है जिसकी रचना आज से 3,500 साल पहले प्रारंभ हुई थी। 66 खंड हैं। इसको 40 अलग 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 लोगों ने 1,500 सालों में लिखा था। इसकी आखिरी पुस्तक की रचना आज से 2,000 साल पहले हुई। इस पुस्तक में जिन भागों का अध्ययन हम कर रहे हैं, वहाँ इस दुनिया में जो सबसे महान व्यक्ति हुआ उसके जीवन का अध्ययन है। वो व्यक्ति है
प्रभु यीशु, जिनको ईसा भी कहा जाता है, यीशु मसीह या ईसा मसीह कहा जाता है, आज से 2000 साल पहले स्वर्ग से मनुष्य रूप धारण करके प्रभु यीशु इस संसार में पधारे। क्यों पधारे, किसके लिए पधारे, क्या जरूरत थी पधारने की, इसका उत्तर भी प्रभु के वचन में ही मिलता है। आज से सहस्त्रों साल पहले प्रभु ने मनुष्य की सृष्टि की, उसको पूर्ण रूप से पवित्र बनाया, उसको संसार में रखा जिससे कि वो पवित्र जीवन बिता सके, लेकिन अपने स्वयं की इच्छा से मनुष्य ने सर्वशक्तिमान सृजनहार प्रभु ने जो आज्ञा दी थी उस आज्ञा का उल्लंघन करके मनुष्य पापी बन गया। प्रभु का वचन याद दिलाता है, इस दुनिया में सब ने पाप किया है। क्यों? इसलिए कि हम उस पापी आदि माता आदि पिता के बच्चे हैं। पाप की सजा है मृत्यु, इसलिए हम में से कोई भी बच नहीं सकता है। आप लेकिन प्रभु का वचन हमको ये याद दिलाता है, आज से 2000 साल पहले प्रभु यीशु निष्पाप, निर्दोष, निष्कलंक, सर्वशक्तिमान प्रभु ने मनुष्य रूप धारण करके संसार में जन्म लिया। 35 साल के जीवन के बाद मेरे और आपके पापों की सजा भुगतने के लिए, मेरे और आपके लिए प्रायश्चित करने के लिए, मेरे और आपके लिए, मुझे और आपको छुटकारा देने के लिए सूली पर वे हमारे लिए बलिदान हो गए। आप सब इस बात को जानते हैं कि आज से 2000 साल पहले प्रभु यीशु को सूली पर टांग कर उनकी हत्या कर दी गई थी। प्रभु ने ये बात बहुत पहले कह दी थी, ये लोग मुझे सूली देंगे, उनको लगेगा कि हम इस व्यक्ति की हत्या कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, मैं अपनी स्वयं की इच्छा से तुम लोगों के लिए सूली पर जा रहा हूँ, तुम्हारे पाप की सजा, पाप की सजा है मृत्यु, वो मृत्यु मैं वरण करने जा रहा हूँ, मैं अपने ऊपर लेने जा रहा हूँ। आज से 2000 साल पहले इस तरह से प्रभु यीशु ने मेरे आपके लिए सूली की मृत्यु को स्वीकार किया, जिससे कि मेरे आपके पाप की सजा उनके ऊपर डाल दी जाए। लेकिन प्रभु तो ईश्वर हैं, सर्वशक्तिमान हैं, सृजनहार हैं। 3 दिन और 3 रात के बाद वे पुनर्जीवित हो गए। पुनर्जीवित होने के बाद प्रभु ने दर्शन दिया, 40 दिन लोगों को दर्शन दिया, बोलो बोले देखो मुझे देखो, मैं पुनर्जीवित हो गया हूँ, इसलिए कि सर्वशक्तिमान सृजनहार को कोई रोक नहीं सकता है। मैंने तुम्हारे लिए अपना जीवन दिया, इसलिए मेरे प्रिय बच्चों, चूंकि सूली पर मैंने अपना जीवन तुम्हारे लिए दिया, इस कारण अब मेरा अनुरोध है, मेरे प्रिय बच्चे, तू मेरी सृष्टि है, लेकिन पाप के कारण तू उस नरक की तरफ जा रहा है, मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो, इस कारण मेरे पास आओ, सूली की ओर देखो, मैंने तुम्हारे लिए अपना जीवन दिया, और इस कारण मान लो कि तुम पापी हो, मान लो कि तुम मुझे मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करते हो। जब हम इस तरह से प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करते हैं मन ही मन, तब प्रभु हमको मुक्ति प्रदान करते हैं। आप पूछेंगे, शास्त्री सर ये बात सुनने में अच्छी लगी, आज इस सत्संग में जितने लोग बैठे हैं इनमें ऐसा कोई है क्या जिसको इस बात का अनुभव है? जी हाँ, मुझे इस बात का अनुभव है। इस सारी सभा में जितने लोग बैठे हैं इनमें सबसे पहले मैंने प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया था, 1960 के भी पहले। मेरे अलावा इस मंडली में और भी कई भाई लोग हैं जो खड़े होकर आज गाना गा रहे थे, उनमें से हर व्यक्ति, आप में से कई लोगों को जिन गाड़ियों में ड्राइव करके लाए थे वे सब लोग, यहाँ जो लोग बाजे बजा रहे थे ये लोग, बहनों में से कई लोग, यहाँ बैठे भाइयों में से कई लोग, मतलब यहाँ इस सत्संग में जो लोग बैठे हैं उसमें से शायद मेजॉरिटी, उनसे कहा जाए कि भैया खड़े हो जाओ, बोलो कि
तुमको ये मिला है क्या, बहन जी जरा खड़ी हो जाइए, बताइए तुमको मिला है क्या। तो इनमें से शायद मेजॉरिटी खड़े होकर कहेंगे कि शास्त्री सर, पापी था मैं प्रभु से दूर, बचा लिया, दया है प्रभु की। मेरे साथ ये लोग कह सकेंगे। और इस कारण आज संध्या को आपसे मेरा प्रश्न है, प्रिय भाई, प्रिय बहन, इस सत्संग में आने के लिए प्रभु ने आपकी मदद की, ये अपने आप नहीं हुआ है, इसके पीछे प्रभु की कोई इच्छा है। और हर व्यक्ति के लिए प्रभु की पहली इच्छा यह है कि वो मुक्ति पाए, वो उद्धार पाए, पाप से क्षमा पाए। इस कारण यदि इस सत्संग में ऐसा कोई भाई या बहन है जिसको इस बात का यकीन नहीं है कि उसको मुक्ति मिली है, तो इस सत्संग के क्लोज करने के बाद, चाय पानी के बाद, आराम से मेरे पास आइए, मैं आपको विस्तार से बात बताऊंगा। यदि उसके बाद आपको जाने की जल्दी, कोई बात नहीं, हमसे बोल जाइए, समय मिलने पर मैं और भाई जेफरी या और यहाँ जितने भाई लोग हैं, इनमें से कोई ना कोई भाई या बहन व्यक्तिगत रूप से आप जहाँ रहते हैं वहाँ आएंगे, हम आपको ये बातें विस्तार से बताएंगे। हमारी इच्छा है कि आप इन बातों को अच्छी तरह से समझें, और इसीलिए आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। तो आज क्लोजिंग में मैं फिर से याद दिला दूँ, इस सत्संग में जितने भाई या बहन बैठे हुए हैं, इनमें से यदि कोई भी ऐसा भाई या बहन है जिसने आज तक प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण नहीं किया है, समझ लीजिए प्रभु आपको जो वरदान दे रहे हैं उससे दूर न भागे, प्रभु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण कर ले। ये बात आपको समझ में नहीं आई तो हमसे पूछ लीजिए। लेकिन इसमें मेजॉरिटी ऐसे लोग हैं जिन्होंने प्रभु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया, उनको याद दिलाना चाहता हूँ, प्रिय भाई, प्रिय बहन, ये जीवन आसान नहीं है। आप प्रतियोगिताओं के बारे में देखते हैं, बाधा दौड़ नाम की एक चीज होती है जिसमें दौड़ते में पहले उसको एक बांस क्रॉस करना होता है, फिर एक बेंच क्रॉस करना होता है, फिर एक दीवार क्रॉस करनी पड़ती है। इसी तरह से मेरा आपका जीवन एक बाधा दौड़ है जिसमें हमारी कमर पे वजन बंधा हुआ है। क्या वजन? वो पाप स्वभाव हमारे अंदर है। उस बाधा को पार करते हुए हमें दौड़ना है। बाई चांस उस बाधा के कारण गिर पड़े तो पहला यूहन्ना 1:9 के आधार पर हम उसके लिए क्षमा मांगकर प्रभु से क्षमा पा लें। लेकिन इस बात को याद रखें, प्रभु का वचन आगे ये बताता है कि ये पाप स्वभाव हमारे अंदर तब तक रहेगा जब तक हम इस नश्वर शरीर में हैं। एक दिन आ रहा है जब प्रभु स्वयं मध्य आकाश में पधारेंगे। प्रभु ने मदद की तो हम प्रभु के वचन से वो बातें भी देखेंगे। जब प्रभु मध्य आकाश में आएंगे तब जितने लोगों ने प्रभु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया है उन सब का शरीर बदल जाएगा, उनका रूपांतर हो जाएगा। जितने लोगों ने इस मुक्ति को पाने के बाद इस संसार को छोड़ दिया है वे सब उस रूपांतर पाए हुए शरीर में पुनर्जीवित हो जाएंगे। पुनर्जीवित हुए वे लोग, रूपांतर पाए हुए हमारे साथ, हम सब मध्य आकाश में प्रभु के साथ उठा लिए जाएंगे। जिस क्षण हमको पुनर्जीवन मिलता है मृत्यु से, या जिस क्षण हमारे शरीर का रूपांतर होता है, उसके साथ साथ वो पाप स्वभाव हमारे अंदर से हटा लिया जाएगा। प्रभु कहेंगे, मेरे बेटे, मेरी बिटिया, मैंने तुमको जो दौड़ दिया था उस दौड़ में तुम दौड़े, शाबाश, अब आओ मेरे पास, अपन थोड़ा सा हिसाब किताब करेंगे, और उसके बाद तुमको जो प्रोत्साहन मिलना है, जो पारितोषिक मिलना है, वो मैं बताऊंगा कि तुम्हारे लिए क्या रखा है। प्रभु ने मदद की तो आने वाले दिनों में हम इन बातों का अध्ययन करेंगे। आज इस तरह से एक साथ एकत्रित होने के लिए और इन बातों का अध्ययन करने के लिए प्रभु ने हमारी मदद की, उसके लिए मैं प्रभु का शुक्रगुजार हूँ।